ये आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, हमारे पुराने मित्र अशोक जी, यहाँ के बहुत सक्रिय युवा पवन जी, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि के उस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। आज नौमी है, पूरा देश इस त्योहार को बहुत उत्साह से और भक्ति भाव से मनाता है। यहाँ पर भी वर्षों से देवी जागरण हो रहा है इस अवसर पर, और महामाई की कृपा से मुझे आने का अवसर मिलता है। ये मेरे पे जहाँ माँ माई की कृपा है, वहीं पर आप लोगों का भी आशीर्वाद है जो मुझे आप आमंत्रित करते हैं। मित्रों, यहाँ पर जागरण में भजन कीर्तन होगा रात्रि भर। तो हिंदुस्तान में दो विधियां हैं भगवान को याद करने की। एक एकांगी चिंतन या भजन या भगवान के से जुड़ना, ये ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे और भगवान से अपना तारतम्य जोड़ते थे। ये एकांकी व्यवस्था थी, एकांकी चिंतन था, एकांकी व्यवस्था थी। और एक होती है बहु आयामी, सबको साथ लेकर ईश्वर की आराधना करना, पूजन करना, अर्चन करना, उसमें देवी जागरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामूहिक रूप से भगवान को याद किया जाता है। देवी जागरण में देवी जी को याद किया जाता है, और इस जागरण से न सिर्फ हम सबकी जो जीवित है इनकी ही पुण्य को प्राप्त होते हैं, इनकी आत्मा ही तृप्त होती है, बल्कि इस वातावरण में जो अतृप्त आत्माएं घूमती हैं, जो भजन नहीं कर सकती, ये सौभाग्य मानव को मिला है कि ईश्वर की आराधना कर सकता है वो, उनको भी जब यहाँ से कीर्तन होता है, भजन होता है तो सुनती है, तो उनकी आत्माएं भी तृप्त होती हैं। तो आप लोग तो वो काम कर रहे हैं कि हम सबका जीवन उद्धार हो रहा है, साथ साथ उन अतृप्त आत्माओं का भी।